अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। तो आज रमजान स्पेशल में आप लोगों के लिए मैं जबरदस्त से सब्जियों के पकौड़े लेके आई हूं, जो कि बहुत मजे के बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को, घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि हम लोग रابطے में रहें और मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं मैंने 1 कप, बंद गोभी 1 कप, पालक 1 कप, हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, गाजर आधा कप और दरमियानी 1 प्याज ली है चॉप कर ली बारीक, और 2 हरी मिर्चें, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, चाट मसाला और नमक 1-1 टीस्पून, सोडा और अजवाइन 1/4 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और मैदा लेंगे तकरीबन 1.5 से 2 कप, और 1 कप मैंने पानी लिया है। देखते हैं इसके अंदर कितना जाएगा इसको गूंदने में। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मजे के बनते हैं, पता भी नहीं चलता है कि इसमें इतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं, क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। बच्चों को खिलाने का जबरदस्त तरीका है, इफ्तारी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। और बेसन के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दूंगी। मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्चें ली है बारीक चॉप की हुई, 1 दरमियाने साइज की प्याज बारीक बारीक चॉप कर ली है, गाजर बारीक चॉप कर ली है आधी प्याली, पालक बारीक चॉप कर ली है 1 कप, आलू बंद गोभी बारीक बारीक चॉप कर ली है और आलू मैंने क्रश किए हैं, ये इसमें जाएंगे 1 कप, आप चाहें तो बारीक चॉप कर लें, और हरी प्याज 1 कप आधी कप आधी प्याली, और शिमला मिर्च आधी प्याली। इसमें सारी सब्जियां डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पालक बंद गोभी आलू जो है वो पालक बंद गोभी और आलू जो है वो मैंने 1-1 कप लिए हैं, और शिमला मिर्च हरी प्याज और गाजर जो है आधा आधा कप लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी का जाएगा, ये देखिए 1/4 कप पानी गया है, इसमें 1/4 कप बच गया है। अब थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से अच्छा सा मिक्सचर बना लें। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं हाथ की मदद से छोटे छोटे से पकौड़े डालती जाऊंगी, बहुत बड़े नहीं बनाए वरना पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। बहुत ज्यादा पकाने से सब्जियों के विटामिन्स गजाइत जाया हो जाती है, उनके कलर खराब हो जाते हैं, जायका खराब हो जाता है, और उनकी जो उनके फायदे हैं विटामिन्स हैं जो सेहत के लिए चीजें अच्छी होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो हमें इसलिए छोटे पकौड़े बनाने हैं ताकि हम इसको जल्दी जल्दी पका के और निकाल लें, ताकि सब्जियों के कलर भी खराब नहीं हो, जायका भी खराब नहीं हो और इसके विटामिन्स भी जाया नहीं हो। तो हाथ की मदद से छोटे छोटे पकौड़े डाल लेंगे और दोनों तरफ से जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत बड़े पकौड़े बनाएंगे तो उसको हमें बहुत देर तक पकाना पड़ेगा ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं, इसलिए हम छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। तो जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको टर्न कर लें। ये बहुत मजे के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ आपका सब्जियां काटने का टाइम है, बाकी उसके बाद बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब तक पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, मैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको हरी प्याज के सफेद वाले हिस्से से इसका फूल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सिंपल और कितना आसान है। पहले हम इसको 4 हिस्सों में कट लगा लेंगे और फिर जो 4 हिस्से हैं उन सबके दरमियान में से मजीद 4 कट लगा लेंगे इस तरह से। ये फूल जो है बहुत अच्छा लगता है आपके खानों की प्रेजेंटेशन में, और ये व्हाइट वाली जो प्याज है, हरी प्याज है, इसको इस तरह से कट लगाने के बाद खूब ठंडे पानी में या उस पानी में बर्फ डाल दें जैसे मैंने डाली है और इसको रख दें, और ये जो है तकरीबन 15-20 मिनट में इसका फूल जो है बिल्कुल खिल जाएगा। ये आपका अभी बर्ड लग रहा है, थोड़ी देर में ये खिल जाएगा जब तक आपको प्रेजेंट करना है। तो पकौड़े अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको हम निकालेंगे। आपको साइड पे पालक रखी हुई नजर आ रही है, अभी मैं इस पालक से भी आपको बताती हूँ कि मैं इससे क्या करूंगी। ये आपके डिफरेंट खानों के प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजे की लगती है, बहुत जबरदस्त लगती है, और 1 मिनट सिर्फ हमें जो है 1 मिनट सिर्फ इसको फ्राई करना है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, उसी ऑयल में हम ये पालक डाल देंगे, धो के उसका पानी अच्छी तरह निकाल लें।
आधे से एक मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और इस पालक को निकाल लेना है। फिर मैं इसमें चटपटे से मसाले डालूंगी तो ये चटपटी सी मजेदार सी पालक बन जाएगी। ये आप डिफरेंट खानों के साथ, बहुत से खानों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत देखने में खूबसूरत लगती है, खाने में बहुत मजे की लगती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं पालक के ऊपर क्या मसाले डालूंगी। पकौड़ों के ऊपर मैं चाट मसाला छिड़क रही हूँ। चाट मसाला छिड़कने से पकौड़ों का टेस्ट जो है वो और जबरदस्त और मजे का हो जाता है। चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और नमक लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इन मसालों को मैं पालक के ऊपर छिड़क दूंगी। ये आपके, आप पकौड़ों के साथ खाएंगे, आप पकौड़े की बाइट लें, एक पालक मुंह में लें, तो ये इतने मजे का लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत मजे का लगता है, प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है। तो ये पकौड़े आप अपनी इफ्तार दावतों में बनाएं। आप ये पकौड़े बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। इसके बहाने से बच्चे सब्जियां खा लेते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि हम सब्जी खा रहे हैं। इसमें इतनी सारी सब्जियां डली हुई हैं लेकिन खाने में पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो इस फूल को आप इस तरह से करके खोल लीजिए, देखेंगे कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। मेरी प्याज बाहर से पर्पल कलर की है लेकिन आप व्हाइट प्याज से भी बनाएंगे तो भी बहुत मजे का लगेगा। इसको केचप के साथ सर्व करें। और मैं पहले एक पकौड़ा सॉस बनाना सिखा चुकी हूँ। पकौड़ा सॉस, बर्गर सॉस, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, वो भी सर्व कर सकते हैं आप। तो आप देखिए, जबरदस्त से मजे के पकौड़े तैयार हैं। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।